या आओ तो ये जरूर ट्राई करना। एक दिन में कितनी ट्रे लग जाती है अंडे की? ये 40-50 ट्रे लग जाती है। Hey guys, what's up? It's Arguri Verma. It's Anjana from Foodaholic. तो कैसे हैं आप लोग? Hope you guys are doing great. तो आज हमारी वीडियो कुछ अलग होने वाली है, पीछे देख के आपको पता लग ही रहा होगा। तो छुपा लेते हैं, चलो संजना बहुत मोटी आ जाएगी, छुप जाएगा। तो आज हमारी वीडियो ऐसी होने वाली है जो आज तक हमारे चैनल पे नहीं आई है उससे रिलेटेड। तो बाकी बातें हम आगे करेंगे, फटाफट सना लोकेशन बता रही है। आज जिस हम काउंटर पे आए हैं उसका नाम है रवि एक्स कॉर्नर। इसकी लोकेशन है मुगल कनाल के बिल्कुल एंड में आते जाओ, मतलब उधर मंडी साइड से बिल्कुल एंड में जाओ और यहाँ पर नियर है बैंक ऑफ इंडिया BOI। और इधर आप आसपास का मतलब एरिया देख लीजिए, इधर यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला काम है, सीट कवर्स वगैरह, मोटर्स वगैरह। और ये है हमारा काउंटर जहाँ हमने आज वीडियो शूट करनी है। तो चलिए अब वो भैया जो यहाँ पे काउंटर लगाते हैं। हेलो भैया। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना नाम दीजिए। रवि नाम है जी, रवि अंडे वाला। नाम आपका ही है। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया काउंटर लगाते हुए? मुझे जी वहाँ 13-14 साल के करीब हो गए। 13-14 साल हो गए। हाँ जी। क्या टाइमिंग क्या रहती है? सुबह 7 से लेकर रात को 1 बज जाते हैं। रात को 1 बज तक? हाँ जी, हाँ जी, सुबह 7 से रात को 1 बज तक। और स्पेशलिटीज़ वगैरह क्या हैं सर? स्वीट कॉर्न आमलेट है, क्रीम आमलेट है, चीज़ आमलेट है, एग बर्गर है, सैंडविच है, एग रोल है। हाँ जी। और एग मसाला, चीज़ कुलचा आमलेट है, बहुत बढ़िया। और आपकी मतलब एक दिन में कितनी ट्रे लग जाती है अंडे की? यही 40-50 ट्रे लग जाती है सर। 40-50 ट्रे लग जाती हैं। ये है रवि एग बर्गर का मेन्यू। यहाँ पर मतलब हमें आइटम्स तो मेंशन है लेकिन इसके प्राइसेस मेंशन नहीं है, वो थोड़े अप डाउन होते रहते हैं, मतलब एग्स के रेट के ऊपर शायद डिपेंड करता होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ स्वीट कॉर्न ऑमलेट से लेके ये सारे ऑमलेट की वैरायटी आ गई, फिर यहाँ सैंडविच आ गए, फिर रोल्स आ गए हैं, फिर बॉयल्ड एग और ये सारे करी ऑमलेट फिर से, और ये बर्गर आ गए हैं इसके, बर्गर एग चाउमिन भी है। वाओ, यहाँ पकौड़ा जिम वाला ऑमलेट भी होगा, इनका स्पेशल होगा कुछ अचार। तो जो आज गौतम मेरा भाई गुरी वर्मा टेस्ट करने वाला है वो है चीज़ कुलचा ऑमलेट जो यहाँ का स्पेशल है। और अब देख लेते हैं कि इसके क्या प्राइस है इसका। 150 इसका प्राइस रहेगा। और इसकी मेकिंग देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि गौतम कैसे इसको टेस्ट करेगा। 3 एग के साथ बनता है। 3 एग? हाँ जी, ठीक है। ये ऑनियन आ गए, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, कैप्सिकम, टमाटो, मसाले अपने सारे, ठीक है। हार्वेस्टर गोल्ड का कुलचा है, कंपनी का ब्रांडेड है, ठीक है जी। मतलब ब्रांडेड कुलचा यूज़ करते हैं। 150 रुपीज ले रहे थे, कुछ बढ़िया अच्छी क्वालिटी चीज़ दे रहे हैं, कस्टमर को सोचा। हाँ जी। ओहो भैया ने अच्छी तरह फ्लिप कर दिया इसको पूरा। साथ में यहाँ पे एग बर्गर भी बन रहा है, सैंडविच भी बन रहा है। एग बर्गर बहुत बढ़िया लगता है इनका, मैंने पहले भी खाया हुआ है, एग बर्गर एक नंबर होता है। पर आज हम कुलचा ट्राई करने आए हैं। घर की चिल्ली चिल्ली सॉस आ गई है, ग्रीन सॉस है घर की बनाई हुई, ठीक है। कंपनी की ब्रांडेड फन फ्रूट की है, पिज्जा पास्ता, मेयोनीज, पिज्जा पास्ता, पिज्जा पास्ता सॉस, ओके। ये मेयोनीज है जी, ये मेयोनीज आ गई है, ये भी ब्रांडेड है, कंपनी की है, ठीक है। ये तंदूरी सॉस है जी, कंपनी की, ये भी ठीक है, तंदूरी सॉस आ गई। अब स्वीट कॉर्न आ गया हमारे ऊपर से, मतलब फुली लोडेड होने वाला है, ठीक है। मसाले आ गए हैं, ये अमूल की चीज स्लाइस आ गई है, ऐसी ऐसी तीन डलती हैं इसके, तीन डलेंगी टोटल। तो ये फोल्ड हो जाएगा, ये आ गया हमारा इसके ऊपर उल्टा, ओके। ये तो बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है। अमूल बटर में बनता है ये पूरा, ये अमूल बटर। हाँ जी, ये
एक और आ गया मुझे, एक और अमूल बटर की टिक्की आ गई है, तो मतलब फुली यमी होने वाला है। कि सबसे ज़्यादा क्या बिकता है भैया वैसे यहाँ पे? अपना स्वीट कॉर्न आमलेट बिकता है। स्वीट कॉर्न आमलेट, और जिम वालों के लिए क्या स्पेशल है यहाँ पे? जिम वालों के लिए जिम वाला आमलेट होता है। जिम वाला आमलेट वो कितने का होता है? बनता है डेल मोंटे कंपनी का वाली और है, इसके साथ फैट नहीं आता ज़्यादा, आलू पान निकाल के बनता है। ठीक है, सैंडो का बनता है। ओके, सारी सब्जियाँ होती हैं उसके अंदर। वो कितने का होता है? और वो 150 रुपये का। ठीक है। अच्छा, जिम वालों के लिए आप सुबह सुबह आ जाते हैं? हाँ जी। ये हमारा कुलचा हो गया रेडी। ऑमलेट है जी, ये स्वीट कॉर्न ऑमलेट रेडी हो रहा है कस्टमर का। तो यहाँ पे अब इसके पीसेस कट कर ले जाए, ये बहुत ज़्यादा फुली लोडेड है। गाइस गाइस गाइस, तो अभी हमारा फाइनली कुलचा ऑमलेट, चीज़ कुलचा ऑमलेट आ चुका है। तो ये खाने वालों के लिए मैं पता नहीं कैसे खाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा हैवी है। अभी शुक्र है हम दो आइटम करवा देते, मैंने एक करवा दी फिर। तो आज सन्ना के बिना ट्राई करना है। संजना कैसा लग रहा तुझे? अच्छा नहीं लग रहा। सन्ना मुँह बना खड़ी है पीछे, पर ये अंडे नहीं खाती तो इसलिए मैं ट्राई करूँगा ये। ओए होए होए होए, संजना लोडेड है, फुल लोडेड, गर्म भी बहुत ज़्यादा है यार ये तो। आराम से खा ले। ओ हो हो, फीलिंग दिखा एक बारी। ओए होए 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 हो, तो गाइस मैं फटाफट टेस्ट कर लेता हूँ, फिर फटाफट बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ओहो, इनका कुलचा पूरी मतलब अच्छी क्वालिटी का कुलचा यूज़ कर रखा है, ब्रांडेड। हाँ, ऊपर से अमूल बटर डाल है ना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया ना सन्ना यार कुलचा, जैसे तू तेरे को पसंद है ना सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, वैसा हो गया बिल्कुल। और स्वीट कॉर्न का क्या टेस्ट आ रहा है अंदर, फीलिंग एक नंबर कर रखी है और फुल हैवी है। होय 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 होय, मेरे से ज़्यादा गिर रहा है क्योंकि गर्म है ना, तो पकड़ा नहीं जा रहा ढंग से, पर इसको अकेले में खाने में पूरा मज़ा आने वाला है आज। पेट में दर्द ना हो जाए तेरे, ठंडे ओ हो तेरे तो वही साब है ना यार। यहाँ आओ तो ये जरूर ट्राई करना। अगर आपको कुछ हल्का खाना है थोड़ा सा इससे, तो आप बर्गर ट्राई कर सकते हो, यहाँ का बहुत अमेजिंग बर्गर है, मैं खाता रहता हूँ यहाँ का बर्गर। और आगे अगर आपको और वीडियोस चाहिए इन चीज़ों से रिलेटेड, नॉन वेज की भी हम मैं सोच रहा हूँ ट्राई शुरू कर दूँ, मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ अब, यू नो व्हाट आई मीन। तो उस लाइन में भी जा रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत मतलब नॉन वेज की तरफ, तो उसकी वीडियोस भी आए करेंगे क्योंकि हम बहुत सारे प्लेसेस कवर नहीं कर पाते। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज मैंने ज़्यादा खा लिया मेरा, इसने सिर्फ खुशबू लिया और कुछ नहीं करा इसने आज। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज तो सन्ना मेरी सिर्फ कैमरा गर्ल बन के रह गई है, ऐसे ही अच्छा लग रहा था वैसे वीडियो में, है ना। हर बार ऐसे ही हो जाए तो इसको कैमरा गली बना देते परमानेंट, हम ही टेस्ट करेंगे पर, और पैसे भी मैं और व्यूअर्स वो आएंगे ना। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आपने मुझे मिस किया हो कि टेस्ट फूड नहीं किया, मैंने फूड टेस्ट नहीं किया, अगर आपने मिस किया तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और आपको अगर ऐसी और वीडियोज चाहिए तो वो भी बताना। हाँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब कर दो, मंडे रोज खाओ अंडे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले थर्सडे, बाय बाय।